आज हमें हिटमैन ने चैलेंज दिया है कि हमें तीन तीन मेज बनाने हैं, और भाई हमें मेज बनाने के लिए अलग अलग टाइम मिलेगा। भाई अगर हमने तीनों मेज सक्सेसफुली बना दिए तो भाई हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। भाई कौन देगा पैसा? हिटमैन भाई, अभी तो बोला मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है, तो भाई चलो ना काम चालू करते हैं। सबसे पहले तो चलते पहले वाले मेज की तरफ, बनाना तो पड़ेगा ना पहला मेज। आजा भाई, इसको बनाने के लिए हमें मिला है 10 सेकंड सिर्फ। भाई 10 सेकंड में कैसे बन सकता है ये? अब मुझे कैसे पता यार, 10 सेकंड मिला तो मिला, अब क्या कर सकते हैं भाई। वो हिटमैन है, बहुत ज्यादा पैसे वाला है। तो चेस्ट खोल के देखते हैं भाई, इसमें TNT है। फ्लिक, आधा TNT मैं ले रहा हूँ, आधा तू ले ले, आधा डॉट मैं ले रहा हूँ। और ये भाई ये क्या है, प्रेशर प्लेट? मुझे लगता है TNT फोड़ना है हमें। तो भाई 10 सेकंड में हमें मेज बनाना है। तो यार एक तो हम लोग सर्वाइवल में कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा हमको बनाने में। तो भाई हमारा टाइम शुरू होता है अब। ठीक है भाई, इतना इतना लगा था, जहाँ मैं TNT लगा रहा हूँ तो बाकी पूरे डॉट लगा दे। ठीक है, ऐसे TNT काफी रहेंगे। यहाँ पर लगा देता हूँ प्रेशर प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पर तो TNT लग गए। फिर जल्दी जल्दी लगा, टाइम नहीं है। यहाँ पर भी TNT लगा देता हूँ, कोई ना कोई तो आएगा भाई, इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतने TNT लगा देता हूँ, काफी रहेंगे। और यहाँ पर भाई हट तो सही, 2 सेकंड बचे बस। ठीक है भाई, यहाँ पर भी लगा देता हूँ, बस हमारा टाइम हो गया भाई, टाइम खत्म। भाई पैर मत रख देना यार, कहाँ पर फंस गया मैं, शिट, रुक जा मुझे आने थे। भाई क्या बना दिया फ्लिक हम लोगों ने 10 सेकंड में इतना सारा? तो भाई ये कैसा मेज हुआ भाई, ये तो बहुत ज्यादा छोटा सा है, तो सीधा सीधा रास्ता ही दिख रहा है हमको, मेज कैसे हुआ? तो मुझे भी दिख रहा है सीधा सीधा रास्ता, लेकिन ज़ॉम्बी गधे है ना, तुझे पता है ज़ॉम्बी का अटैक होने वाला रात को। भाई जो हिटमैन है ना, बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज को लेकर आ रहा, तुझे मालूम है ना कितना खतरनाक और अमीर है वो, मेयर से भी ज्यादा अमीर लगता है मुझे। हाँ तो भाई होगा फिर। तो भाई हमारा 10 सेकंड वाला मेज तो बन गया, और देखो कितना बढ़िया मेज है। वैसे उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले मेज बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले। तब तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार, आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, तो इस बार बहुत ज्यादा दबा के सब्सक्राइब करो हमको यार, 1 मिलियन पहुंचना जल्द से जल्द, हो सकता है इस साल ही पहुंच जाए हम लोग अगर आप लोग चाहो तो। और लाइक एम कितना रखना है फ्लिक इस बार? इस बार लाइक एम हम लोग दे देते हैं 5069, वो भी 1 घंटे में। ठीक है भाई, ठीक है चलो भाई, चलो अगले मेज की तरफ चलते हैं। तो अगला मेज है हमारा 1 मिनट का, क्या बात है 1 मिनट मिला तो आखिरकार हमें। और फ्लिक तुझे खास बात पता है क्या भाई? अरे हिटमैन ने हमें ये वाला मेज क्रिएटिव में बनाने का ऑर्डर दिया भाई, मतलब हम लोग क्रिएटिव में बना सकते हैं ये वाला मेज। चल भाई जल्दी बनाना चालू करते हैं ना। ठीक है, चेस्ट में पहले देखते क्या क्या है। और भाई क्या क्या चीजें रखी है चेस्ट में? आयरन के ब्लॉक है भाई, शॉर्ट गन भी है। अरे शॉर्ट गन अभी काम नहीं आने वाला हमें, ज़ॉम्बी रात को आने वाले हैं, तो शॉर्ट गन यहीं पर रख देता हूँ। मैं ले लेता हूँ आयरन के ब्लॉक, एक एक लेयर सबके लिए, ये ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये भी काफी है भाई, कितना सारा कुछ है, इतना काफी रहेगा भाई। 1 मिनट मिला है और इतना सब बनाना है हमें। तो यार फ्लिक मेरा प्लान ऐसा है कि हमें पहले सोचना पड़ेगा बनाना कैसे और क्या बनाना, क्योंकि 1 ही मिनट है हमारे पास में, लेकिन क्रिएटिव मोड भी है। तो यार क्रिएटिव में हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, आपको मालूम होगा। तो फ्लिक इधर आ जा, हमारा टाइम अभी शुरू होता ही होगा। तो हमारा टाइम शुरू होता है अब भाई, जल्दी जल्दी लगा दे। एक काम कर, मैं ऐसे लगाता हूँ, हाँ ये काफी रहेगा 2 ब्लॉक छोड़ के। तो आगे ले जा फ्लिक, इसको 3 ब्लॉक का बनाना ऊपर तक, मैं बाकी चीज बनाता हूँ। तो मुझे यहाँ पर ऐसे यहाँ पर गैप छोड़ना है, और यहाँ पर डिस्पेंसर लगाना है भाई। तो यहाँ लगा देता हूँ मैं डिस्पेंसर, इस साइड भी ऐसे डिस्पेंसर लगाना है मुझे। अरे फ्लिक ने ज्यादा खोद दिया भाई। ठीक है, यहाँ पर भी डिस्पेंसर लगा देता हूँ मैं। और आपको पता है सिंपल, यहाँ पर लगाना है मुझे प्रेशर प्लेट। और आपको पता मेरे पास में क्या है, ये एरोस, तो मैं कुछ एरोस भर देता हूँ यहाँ पर। फ्लिक तब तक तू आगे का बना भाई, टाइम नहीं है ज्यादा। ठीक है भाई, काम तो चालू ही है। तो देखो कुछ ज़ॉम्बीज़ को हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे, तो एरिया में क्राइंग ऑब्सिडियन का बना देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि ये जगह फूटे ना यार, मैं नहीं चाहता जगह पूरी ब्लास्ट हो जाए। तो पहले मैं पूरा तोड़ देता हूँ फिर लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कुछ TNT, भाई इतने TNT काफी रहेंगे, यहाँ पर भी लगा देता हूँ थोड़े बहुत। और ये रहा भाई प्रेशर प्लेट। ठीक है भाई, इतना काफी होगा, यहाँ पर और लगा देता हूँ क्राइंग ऑब्सिडियन, तब तक फ्लिक आगे पहुंच चुका है। तो फ्लिक यहाँ पर मत आना, पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है ठीक है भाई, ये वाला जो मेज है ना फ्लिक का प्लान है, तो फ्लिक इस तरफ मोड़ रहा है इसको। ठीक है, अच्छी बात है। तो एक काम करता हूँ, इधर भी एक ओपनिंग खोल देता हूँ मैं, यहाँ पर भी TNT से उनको ब्लास्ट करवाऊंगा। तो फ्लिक तो पूरे दीवार को क्राइंग ऑब्सिडियन का बना दे, मैं माइन लगा देता हूँ। तो इस साइड मत आना भाई, तो फूट जाएगा, मैं यहाँ कट चेंज कर दूंगा, तो आगे बढ़। तो ठीक है भाई, इतने माइन काफी रहेंगे भाई, बस 20 सेकंड बचे हुए। तो अंदर मैंने कुछ बनाया हो, देखो खतरनाक सा, यहाँ पे पूरे ज़ॉम्बीज़ को पकड़ के पूरा धोना है भाई। तो एक काम करता हूँ, ऊपर का थोड़ा सा एरिया मैं तोड़ देता हूँ, ताकि वो लोग देख पाए हमें। और यहाँ पर लगा देता हूँ पूरे TNT भाई, इतना काफी रहा, कुछ ज्यादा भर दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर लगा देता हूँ मैं पूरे प्रेशर प्लेट, 3 प्रेशर प्लेट काफी रहेंगे। और ऊपर जाके भाई थोड़े TNT कम करने पड़ेंगे, नहीं तो पूरे ज़ॉम्बी यहीं पर मर जाएंगे हम लोग भी भाई। बस 10 सेकंड बचे हुए फ्लिक, तो मैं यहाँ पर लेजर लगा देता हूँ, जल्दी बना जो बना सकता है। तो यहाँ पर मैं लेजर और लगा दे रहा हूँ, और ये हम लोग आगे फिनिश लाइन में, तो फिनिश लाइन में आके और लेजर लगाना है भाई हमें। तो ये लगा दिया मैंने आखिरी ब्लॉक। ठीक है भाई, हो गया भाई, क्या बना दिया हम लोगों ने, एक बार दिखा देता हूँ सबको। यहाँ पर फेक वाटर है, वहाँ पर है हमारा लेजर, और यहाँ पर है कुछ और ट्रैप, और यहाँ पर TNT है, और ये तो आपको पता ही है शुरू में जो मैंने लगाया था। तो यार हमने 1 मिनट के हिसाब से बहुत ज्यादा बना दिया इस बार यार। भाई सच में तो 10 मिनट में नहीं बना सकता कोई, नहीं तो वो तो हम लोग है ना, हम लोग तेज बना सकते हैं बहुत ज्यादा। तो यार ये बढ़िया लग रहा है, अभी के लिए मैंने यहाँ से हटा दिया था ये वाले प्रेशर प्लेट, तो ये तो लगा सकता हूँ यार मैं, टाइम था मेरे पास में, ताकि फूट ना जाए पूरा, हमारा बिल्ड खराब ना हो जाए, इसलिए किया था मैंने, इसको वापस लगा देता हूँ मैं। और ये भाई देखो ऐसे काम करेगा, ये ऐसे एरोस निकलेंगे, और भाई पूरे पॉइजन के एरो है। अभी तो मैं क्रिएटिव में, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो रहा, नहीं तो इजीली मर जाता था मैं। ये देखो फ्लिक आपको डेमो दिखा रहा है, और आगे मत जाना भाई, सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चल अब नेक्स्ट वाले स्टेज में चलते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट वाले स्टेज में चलते हैं, और देखते कितने देर का है वो। और भाई ये वाला इतना अच्छा बना है, तो अगला कैसा बनेगा यार? तो अगला देखते हैं, अगला 10 मिनट का। ओ भाई 10 मिनट मिले फ्लिक हमें भाई, इस बार तो बहुत बड़ा बनाना है यार। अगर भाई हम लोग हिटमैन से जीत गए ना, वो हमें माला माल कर देगा। तो चल भाई वाले चेस्ट में देखते क्या है। लेकिन एक और बात बता रहा हूँ तुझे, हिटमैन ने हमें इस बार फिर से बोला है कि हम क्रिएटिव में बना सकते, क्योंकि 10 मिनट का बिल्ड है यार, वो अच्छा बिल्ड
चाहता है बस, मतलब उसको देखना है एपोकलिप्स। तो ठीक है स्क्रॉल कर देखते हैं। ओ भाई ये क्या है इतना सारा, भाई इतना टाइम भी है हमारे पास में, वैसे 10 मिनट हो जाएगा। तो पूरा माइनक्राफ्ट दे दिया इसने, तो पूरा माइनक्राफ्ट का सामान दे दिया। तो एक एक चीज तू ले, एक मैं ले रहा हूँ, सब मत ले जाना भाई। ये ले जाता हूँ मैं, ये भी मेरा है घोस्ट ब्रो। बंदूक है इधर भाई, बंदूक तो देखा ही नहीं, मिनी गन पड़ी है यार, मशीन गन है फ्लिक। तो मशीन गन को भी रख दे तू, ये देखो क्या कर रहा है बाप रे। अरे भाई आराम से। अरे भाई तो डिस्पेंसर भी लेता हूँ, लेजर ब्लॉक भी लेता हूँ, और ये एरो देखो यार क्या बढ़िया एरो है। तो फ्लिक आ जा, टाइम नहीं है हमारे पास में, 10 मिनट के अंदर बिल्ड बनाना है हमें, हमारा टाइम कभी भी शुरू होता होगा। तो यार थोड़ा बड़ा बनाना है तो थोड़ा साइड में आ जा, इधर बनाएंगे। तो डैश ये बिल्ड की शुरुआत कैसे करनी है? अरे उसका टेंशन मत ले, सब मेरे दिमाग में है अभी क्या करना है, लेकिन टाइम तो शुरू होने दे। तो भाई टाइम शुरू हो चुका है हमारा, तो सबसे पहले हमें लेजर के लिए टनल बनाना है। तो फ्लिक तो उस साइड से बना, मैं इधर बना रहा हूँ। तो एक काम कर, बीच में 4 ब्लॉक का गैप छोड़ देना, 1, 2, 3, 4। और भाई हम लोग इतने जल्दबाजी में क्यों है, 10 मिनट है हमारे पास में, आराम से बना भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है फिर मैं आता हूँ चाय पी के। तो भाई यहाँ पर लगा देता हूँ मैं लेजर, और फ्लिक एक काम कर तू आगे बढ़ा भाई मेज को, मैं यहाँ पर लेजर लगा देता हूँ। तो हिटमैन ने कहा था बहुत खतरनाक एनिमी आने वाले हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो ज़ॉम्बीज को खतरनाक बोलेगा, हो सकता है बड़ा वाला ज़ॉम्बी है। तो एक काम करता हूँ ऐसे लगा देता हूँ बहुत सारे लेजर जितने हो सकते हैं, यहाँ पर भी लगा देता हूँ भाई। इन्फाइनाइट है हमारे पास में, तो मैं भी इन्फाइनाइट लगाऊंगा। तो भाई ये देखो पूरे लेजर तो लग गए अपने, कितना बढ़िया दिख रहा है। ऊपर के एरिया मैं ढक देता हूँ, तब तक फ्लिक वहाँ पर बनाते हैं और कुछ। ये करने के बाद अगले ट्रैप की तरफ चलते हैं। तो फ्लिक यहाँ पर पूरे लेजर तो लग गए, एक काम करते हैं यहाँ पर मैं डिस्पेंसर लगाता हूँ, तो इसके अंदर फायर चार्ज पर थोड़ा इस तरह फेस करके डिस्पेंसर लगाना पड़ेगा हमें ऐसे करके। ठीक है चारों डिस्पेंसर लगा दिया मैंने, इतना काफी होगा। अब यहाँ पे मुझे रेडस्टोन डस्ट लगाना है। ठीक है फ्लिक तब तक तू फायर चार्ज भर दे इसके अंदर भाई। मैं नहीं भरूंगा भाई मुझे अलग काम है। अरे भाई भर दे जल्दी, दोनों एक साथ काम करते हैं। यहाँ पर दोनों लेवर लगा देता हूँ मैं ऐसे करके भाई, देखो। अरे भाई मारी देगा मुझे। ठीक है पूरे भर दे तू, मैं आगे की तरफ चलता हूँ। अब देखो यहाँ से आगे जाने का रास्ता है, लेकिन हम लोग ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर नहीं आने देंगे। यहाँ पर देखो मैं घोस्ट ब्लॉक लगाता हूँ खतरनाक वाले। अब यहाँ पर एक ट्रैप बनाना है, तो यहाँ पर एक ट्रैप बनाने के लिए मेरे पास में है TNT और मेरे पास में है प्रेशर प्लेट। तो आपको पता क्या बनेगा, लेकिन उससे पहले फ्लिक यार ऑब्सीडियन का बनाना था तुझे, तो ऑब्सीडियन में बदल दे इसको। तो देखो कुछ ज़ॉम्बीज़ को हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बहुत सारे TNT भाई। देखो अब TNT में कमी नहीं करना है, फ्लिक तू भी लगा दे कुछ TNT, बस प्रेशर प्लेट मत लगाना है तो पूरा फट जाएगा। इस बार हम लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है यहाँ पर पूरा TNT लगा दिया भाई, कुछ ज्यादा हो जाएंगे, जगह ब्लास्ट हो जाएगी, इतना काफी होगा। ठीक है अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे प्रेशर प्लेट, लेकिन अभी नहीं बाद में, अभी और भी काम है। तो फ्लिक आ जा भाई आगे, तू इसको आगे लेके जाना है हमें। ठीक है यहाँ से और ज़ॉम्बीज़ को हम आगे लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना है। तो एक काम करता हूँ मैं एरिया को थोड़ा बहुत तोड़ देता हूँ ऐसे करके, यहाँ पर मैं लावा लगाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर पूरा लावा भर देता हूँ मैं। ठीक है यहाँ पर ऐसा काफी रहेगा, और यहाँ से आएंगे पूरे ज़ॉम्बीज़, लेकिन उनको ऐसी आसानी से नहीं आने दूंगा मैं। यहाँ पर कॉब वेब भी लगेंगे, जैसे हम लोग उनको मशीन गन से मारेंगे। और भाई देखो जगह जगह पर यहाँ पर लगा देता हूँ कॉब वेब, भाई ज़ॉम्बी अटकने तो चाहिए ना। ये देखो फ्लिक यहाँ पर अभी से जल रहा है, तो इतना कॉब वेब काफी रहेगा यार, इतना भी बुरा नहीं मारना ज़ॉम्बीज़ को, थोड़ी इंसानियत भी रखनी हमें। और भाई डायमंड के ब्लॉक देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, तो और डायमंड के ब्लॉक लगा देता हूँ। फ्लिक एक काम कर 3 ब्लॉक लगाओ अभी के लिए, क्योंकि और खतरनाक चीज सोचा हूँ मैंने, तो यहाँ पर और लगा देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक खतरनाक चीज, जो आपको पता होगी एंड क्रिस्टल सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं ये, तो इनको ले लेता हूँ मैं। और इनको ऑब्सीडियन पर रखना पड़ता है, तो यहाँ पर ऑब्सीडियन भी चाहिए मुझे यार, ये वॉल थोड़े बड़े बनाने चाहिए मुझे, नहीं तो एरिया फूट जाएगा पूरा। जैसे देखो मैं यहाँ पर लगाऊंगा और इसको लगा देता हूँ, देखो पूरा ब्लास्ट हो गया एरिया, बस ऊपर का एरिया जाएगा नीचे का नहीं। तो एक काम करता हूँ मैं ये एरिया को भी बना देता हूँ ऑब्सीडियन का, तो यहाँ पर लगा देता हूँ एंड क्रिस्टल को, और देखना ऑब्सीडियन फूटते कि नहीं। भाई नहीं फूटे, मतलब हमें ऑब्सीडियन लगाना है, क्या बात है। तो फ्लिक तो ऑब्सीडियन लगा, भाई डायमंड मत लगा वो। देखो एक काम करता हूँ ज़ॉम्बीज़ को जाने का एक रास्ता देता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है इतना काफी होगा, ज़ॉम्बीज़ यहाँ से आगे जाएंगे और फिर उनको उस तरफ ले जाना है, क्योंकि वहां पर हमारा एंड होगा मेज। और यहाँ पर एक काम करता हूँ फ्लिक, यहाँ पर आजा भाई तू, हमारे पास सेंट्री भी है। तो फ्लिक तू एक काम कर, आगे तक कॉरिडोर बना दे बहुत बड़ा सा, अभी कॉरिडोर इतना आसान नहीं होने वाला है ज़ॉम्बीज़ के लिए। देखो यहाँ पर पहले मैं 2 ब्लॉक तक खोद देता हूँ, इतना काफी रहेगा, ऐसे करके हर जगह खोदना है मुझे। ठीक है अब आप सोच रहे होंगे क्या आएगा यहाँ पर, भाई सिंपल सी बात है लावा आएगा, लेकिन यार ज़ॉम्बीज़ को तो दिख जाएगा तो लावा में गिरेंगे नहीं वो लोग। तो मैं एक काम करता हूँ लावा को ऐसे भर देता हूँ पहले, और यहाँ पर मुझे लगाना घोस्ट ब्लॉक अभी के लिए खोल के रखता हूँ, ताकि मुझे मालूम चले मैं ना गिर जाऊँ। ठीक है ऐसे काफी रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लगाना हमें। फ्लिक तो कॉरिडोर आगे ले जा बस। ठीक है भाई और आगे लेके जाना है क्या? बहुत आगे। ठीक है लावा भर देता हूँ मैं, इतना काफी होगा, इतने में लावा आ चुका है। तो एक काम करता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ अपने घोस्ट ब्लॉक। अब देखो भाई देखो यार फ्लिक ने कितना बड़ा कॉरिडोर बना दिया यहाँ पर। तो देखो आप लोग देख पाए होंगे कहाँ कहाँ पर घोस्ट ब्लॉक है। अब यहाँ पर ज़ॉम्बी आएंगे और ऐसे करके गिर जाएंगे भाई, जैसे मैं गिरा हूँ। वो लोग बहुत ज्यादा स्लो होते हैं तो इजीली गिर जाएंगे। तो एक दो और बना देता हूँ मैं, ये फाइनल वाला मेरा, इसके बाद नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है ये है, अब देखो इतना तो हो गया, अब वो ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो मेरे पास में सेंट्री है यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ भाई, 2 सेंट्री लगाना है हमें यहाँ पर, तो एक यहाँ पर लगा देता हूँ एक यहाँ पर, और भाई इसको एक्टिवेट करना पहले। तो ये देखो भाई एक्टिवेट हो गया ये सब, इसको भी एक्टिवेट कर देता हूँ मैं। ठीक है जैसे ज़ॉम्बीज़ आएंगे भाई, ज़ॉम्बीज़ को कुत्ते की मौत मारेंगे ये लोग। ठीक है इतना काफी होगा, अब आगे की तरफ चलते हैं। भाई फ्लिक तू वहाँ पर बना दे, यहाँ पर मैं एंड क्रिस्टल लगाता हूँ, लगाना भूल गया था मैं, यहाँ पर 3 एंड क्रिस्टल काफी होंगे। अब देखो ये तो बहुत हार्ड जगह है, लेकिन ये इजी होने वाला है, जो ज़ॉम्बीज़ बच के आएंगे
वो लोग यहाँ पर आएंगे और घूम के फिर अब देखो इनके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा रास्ता बनाऊंगा मैं, ज्यादा बड़ा रास्ता नहीं होगा। अब इनको घूम के वहां पर ले जाऊंगा मैं, टच करवा दूंगा। लेकिन भाई इतना भी आसान नहीं होने वाला ये सब। डैश मेरा काम तो हो गया। अब वैसे तूने ये वाली जगह क्यों बनाया? ये जगह मैंने इसलिए बनाया हूं क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक विलेजर की बलि देने वाले हैं। तो देख एक काम करते, पहले जगह को थोड़ी सी बड़ा बना देते, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं। तो यार यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पूरा लावा, इतना काफी रहेगा भाई। बहुत बड़ा लावा का पुल बना दिया मैंने और इसके बीच में रखना है एक विलेजर हमें, ठीक है। यहाँ पर हमें एक विलेजर रखना है, तो फ्ली के काम कर, विलेजर स्पॉन कर दे भाई तू। अरे भाई ज़ॉम्बी नहीं यार विलेजर। अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने, इसको नाम देख तो अच्छा उल्टा हो रहा है, मतलब हमें विलेजर ही रखना है यहाँ पर। इसको गिरा अंदर, ठीक है तो गिर चुका है अब ये ले। ठीक है इसको हमने उल्टा कर दिया भाई। अभी सोच रहा हूँ क्या होगा इसके साथ में, लेकिन कोई बात नहीं, हमें टाइम तो मिल जाएगा। ज़ॉम्बीज इसको मारेंगे और हम ज़ॉम्बीज को, भाई हजार से भी ऊपर ज़ॉम्बी आने वाले फ्लिक, तुझे मालूम है ना। हाँ पता है, एक काम करता हूँ भाई, इसको मैं लेवर दे देता हूँ, ये ले ले भाई तू आराम से मजे कर उसके साथ। भाई यहाँ पर पूरे ब्लॉक लगा देता हूँ, ज्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे पास में, तो उसको वहाँ पर ज्वाइन करना है मुझे। फ्लिक जल्दी लगा भाई, दो मिनट बचे सिर्फ। तो यहाँ पर मैं रहूंगा या फ्लिक रहेगा, कोई ना कोई तो मारेगा उसको। तो बड़ा एरिया ज़ॉम्बी के लिए बड़े वाले, अगर आएगा तो मुझे पता नहीं वैसे आ पाएगा कि नहीं वो। तो वो रास्ता बनाने से पहले मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे खुफिया रास्ता बनाओ जिससे हम इस पार से उस पार जा सके, यार हमको भी तो भागना पड़ेगा ना। तो यार ये जगह ठीक रहेगी, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ घोस्ट ब्लॉक। अब ज़ॉम्बी को शायद ही मालूम चलेगा, ऐसा दिखेगा नहीं, इस टेंशन मतलब मैंने गॉगल्स पहनाओ ना, ये गॉगल्स हमें देखने मदद करते हैं। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ और भाई सीधा मैं यहाँ पे खोल देता हूँ इसको, यहाँ पर बना देते हैं और ये एरिया को थोड़ा सा पैक कर देता हूँ अच्छे से, वैसे टाइम ज्यादा बचा नहीं है। तो आखिरी कुछ बिल्ड बना देता हूँ जल्दी मैं। तो भाई ये तो बन गया पूरा रास्ता। और फ्लिक एक बार आके दिखा भाई कहाँ पर है तू। रुक जा मैं आ रहा हूँ। भाई ये यहाँ पर रास्ता है, तुझे दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ये रहा रास्ता, ऐसे ऊपर जाना है यहाँ से और भाई यहाँ से खुद के हम पहुंच जाएंगे टॉप पर। ये देख हम आ गए मेरे पीछे पीछे, अब यहाँ पर तो टॉप पर आ गए हम लोग। लेकिन यार अभी हमारा बिल्ड पूरा नहीं हुआ है, तो आखिरी का कुछ डिफेंस एक बना देता हूँ मैं। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर फेंसेस लगा देता हूँ। अभी ऐसे वैसे फेंस नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक फेंस है ये, कोई भी इसको टच करेगा झटका लगेगा उसको। तो ऐसे गैप गैप में मुझे रखना है ऐसे। फ्लिक तब तक तो आखिरी का स्टेज बना दे जहाँ पे हम आखिरी में जाने वाले बच के। ठीक है यार और काम जल्दी कर, सिर्फ 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट तो तब बचे थे, अब तो सिर्फ 1 मिनट बचा है। तो ये तो मैंने पूरा लगा दिया, अब ज़ॉम्बी ऐसे जाएंगे आराम आराम से और उनको झटके लगेंगे, उनको मालूम नहीं चलेगा किसने मारा है उनको। बाकी हम लोग तो ऊपर रहेंगे ना उनको मारने के लिए। ठीक है ये तो बन चुका है और ये एरिया भी बन चुका है। देखो इतना एरिया मैंने खाली रखा हो, इसमें थोड़ा बहुत कुछ लगाऊंगा आखिरी में। ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पर हम एक फाइनल स्टेज बनाएंगे, अब यहाँ पर हमें बच के आना है। इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, सिर्फ हमें लड़ना पड़ेगा उनसे। तो यार रात होने वाली है तो आखिरी कुछ ब्लॉक लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आके हम लोग फाइनल लड़ेंगे। छोटा सा एरिया बनाया मैंने, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है। और ये ठीक है इतना बन चुका है और एक फाइनल काम कर सकता हूँ मैं, ये एरिया मुझे खाली रखना पड़ेगा। एक काम करता हूँ यहाँ पे ऐसे ब्लॉक लगाता हूँ। अब आप सोच रहे हो क्यों लगा रहा हूँ मैं, तो देखो यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक आयरन गोलम को और बस मेरे हाथ में पंपकिन रहेगा। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं आयरन गोलम को स्पॉन कर दूंगा, देखते कितने मार पाता है वो। और एक यहाँ पर भी लगा दूंगा, दोनों जगह एक इतना काफी होगा भाई, पंपकिन मेरे हाथ में रहेगा। तो भाई हमारा पूरा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है और देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है। टाइम तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, टाइम को जाने तो 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। और ये देखो ऐसा दिख रहा है और वो जो 1 मिनट वाला है वैसा दिख रहा है, और उसको तो देखो ही मत, जाने दो, बेकार है वो, 10 सेकंड मिलते उसके लिए। और फ्लिक एक काम करते यार, वो हिटमैन का इंतजार करते, देखते कब तक आता है वो। वैसे आ जाएगा 2 मिनट के अंदर, उसने कहा था रात होते आएगा वो। ठीक है भाई चल अपन वेट ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं अब। अरे डैश इतना टाइम हो गया, वो अभी तक आया क्यों नहीं हिटमैन? भाई मैं भी तो यही सोच रहा हूँ यार, मुझे लगा आएगा वो। भाई मेयर जैसे धोखा तो देगा नहीं वो, ऐसे मेयर ने भी धोखा नहीं दिया। 1 मिनट ये प्लेन उड़ रहा है अपने ऊपर, हमने देखे नहीं। ओहो आ गया वो हिटमैन, भाई ये ठोकने आ रहा है। फ्लिक निकल भाई, भाई ये खतरनाक, ये क्या कर रहा है? अरे अरे ये कौन सी लैंडिंग थी भाई? भाई नशे में है ये तो बूस्टर लगा क्या है भाई प्लेन में? वो देख ये एयरफोर्स का बंदा है शायद एयरफोर्स का पायलट होगा वो। भाई ये भी गन लेके आ रहा है फ्लिक, इधर सबके पास में गन है यार हमको छोड़ के। तो हिटमैन हमें रेडी होने के लिए बोल रहा है क्योंकि अभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने वाले हैं। तो यार हिटमैन भाई कितने ज़ॉम्बीज आने वाले हैं पहले वेव में, तो ये बता रहा है बाद में बताएगा ये। ठीक है भाई हम रेडी रहते हैं। तो फ्लिक यार चेस्ट में हमारे लिए सामान रखा है इसने, देखते क्या रखा है। तो भाई लेदर आर्मर है यार, मैं ले लेता हूं ऊपर का लेयर। पिस्तौल है भाई क्या बात है, और बुलेट्स है, और ये पोक चॉप है। तो भाई दो ले लिया तूने, दो मैं ले रहा हूं, ठीक है काफी होगा। तो एक काम करते पहले आर्मर पहन लेते हैं और इसको देखो भाई ये फटाके को फोड़ रहा है, दिवाली नहीं है भाई आज, रुक जा। तो ठीक है भाई हम लोग रेडी हो रहे हैं। तो फ्लिक रेडी हो जा भाई, वो रहा है हमारे ज़ॉम्बी भाई, बहुत कम है लेकिन यार इसके लिए तो ज्यादा है ना, पिस्तौल से कितने मार लेंगे। तो हिटमैन भाई हम लोग रेडी है भाई, पहले बच्चों को निशाना बनाना भाई। आया बच्चों भागते हुए, बच्चों को एम लगा भाई, अभी एक हाथ से आ गया, एक को मारा मैंने भाई, मैं तो चढ़ रहा हूँ इसके ऊपर, बच्चे को मार दिया मैंने एक और। भाई उधर से आना पड़ेगा फ्लिक, यार मेरे पीछे पड़ गए लोग भाई, यहाँ पे चढ़ गया इस पे चढ़ गया एक। अबे शिट भाई फूटे, ओहो नहीं नहीं बच्चे, अरे यार गया मैं, तू भी गया क्या शायद? नहीं भाई मैं तो बच गया, मैंने तो जिता दिया तुझे, ये ले ये खा तू। लेकिन यार वैसे भी हम लोग हारे हैं ना, क्योंकि मुझे लगता है टीएनटी में तूने पैर रख दिया था भाई। मैं तो खुद को जीता मानूंगा, तुझे जो बोलना है वो बोल। हाँ ठीक है भाई, तो अभी मुझे मालूम चला है कि हिटमैन के हिसाब से हम लोग हारे हैं, क्योंकि हम दोनों को जीना है भाई, ऐसे एक भी मर गया ना तो हम लोग हार जाएंगे फ्लिक। तो ये वाला लेवल और अगले वाले लेवल में हमें जीतना ही पड़ेगा, वैसे वो बेकार था क्या था पता नहीं, इसमें तो हम आराम से जीत जाएंगे। तो फ्लिक यार वो गंदा आर्मर फेंक यार, हमारे लिए कुछ तो अच्छा रखा हुआ यहाँ पर। वो भाई आयरन का आर्मर है, ये उठा लेता हूँ मैं, गोल्डन एप्पल है। और ये शॉटगन क्या बात है, मुझे उम्मीद थी शॉटगन रहेगा यहाँ पर भाई। ऊपर क्यों
चढ़ा हुआ है बे पागल, मेरे ऊपर मत मार गोली भाई, ये मुझे खोला हुआ दिखता हमेशा से। यार गन मेरे पास में, गोल्डन एप्पल मेरे पास में, तो यार कभी भी आ सकता तो गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ मैं। फ्लिक इधर आ जा भाई, कभी भी चालू हो सकता है, हमें भागना पड़ सकता है। तो ठीक है हिटमैन भाई, हम लोग रेडी है भाई। कितने ज़ॉम्बी है ये? 100 है कम से कम, 100 से ऊपर है। ओ भाई आगे सबके सब गोली चलाते हुए निकले सब। बच्चे को मार पहले, बच्चे को मार, रुक जा इसको यहाँ पे लेके। आप इस बार बता दो, नहीं ये लोग वेस्ट कर देंगे हमारा भाई ट्रैप। रुक जा, अरे कहाँ चले गए अभी? टीएनटी फोड़ दिए। फ्लिक निकल, नहीं फूटा नहीं, फ्लिक निकल, अरे मारना मत। क्या बात है, बच रहा हूँ, बच गया भाई। क्या बात है यार, ये क्या हुआ बे भाई? फ्लिक ये क्या हो गया यहाँ पर, इधर लेके उनको भाई, ये तो जगह बर्बाद कर दी इन लोगों ने। तुझे कैसे भी ऊपर आ सकते, एक काम करते हैं फ्लिक, उनको माइंड में लेके आते हैं। तो फ्लिक भाई इधर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए और फट रहे हैं भाई पूरे। अच्छा इनके साथ भाई, भाई भाई ये क्या हो रहा है, मुझे दूर जाने दे, मैं मर जाऊंगा। मैं इनको ये साइड लेके आ रहा हूं। ठीक है ठीक है, लेके आ ले। खत्म हो गए तो? नहीं नहीं इधर बहुत सारे बचे हुए और पीछे से आ रहे हैं और ज़ॉम्बीज, इधर लेके आ रहा हूं उनको मैं भी। भाई ये कौन सा ब्लास्ट हुआ? फ्लिक उनको पीछे क्या, पहले लेके आ फ्लिक इनको यहाँ पर, जल्दी ऊपर जाना पड़ेगा लगता है मुझे भी। तो यार फ्लिक ये बंदे पूरे मेरे पीछे पड़े हुए, एक काम करता हूँ इनको यहाँ पर लेके आता हूँ। तू गन लेके रेडी रहे, गन लेके रेडी रहना ठीक है, यहाँ से मारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भाई। वन शॉट है पूरे के पूरे तेरे पीछे आ रहे फ्लिक, रुक जा, लेजर से नहीं पास हो पाएंगे भाई। हिटमैन क्या कर रहे हैं भाई, फ्लिक की तरफ आ चुके हैं सारे के सारे। रुक जा भाई मारता हूँ मैं, रिलोड होने दे बस भाई। मशीन गन कौन दिया तुझे भाई? भाई कुछ नहीं, चुप रहा है, उसको पता नहीं चलना चाहिए भाई, चीटिंग कर रहा हूँ। तो हटा हाथ से भाई वो मशीन गन, क्या बात है भाई। हिटमैन भाई इधर आ जाओ, वो ढूंढने जा रहा है कोई बचा है कि नहीं। हिटमैन घबरा चुका है, यार हिटमैन किधर है टकले? तो भाई ये वाला लेवल हमने कितने अच्छे से कंप्लीट कर लिया और हम दोनों में से कोई भी नहीं मरा है, यार हमारे लिए अच्छी बात है। ये वाला हम लोग जीत के पिछला वाला हारे थे, तो जो नेक्स्ट वाला है ना 10 मिनट वाला, उसको हमें जीतना है भाई। हिटमैन आप थोड़ा पैसा दे दे, एक बार तो हम लोग जीत गए ना भाई। वो आखिरी में देगा फ्लिक तुझे। तो हिटमैन भाई, अरे भाई मार रहा है तो भाई मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं बोला। तो ये बोल रहा है आखिरी वाला लेवल जीतना है, तो ठीक है भाई आ जा फ्लिक हमारे पीछे। तो भाई ये रहा हमारा 10 मिनट वाला बिल्ड। तो एक बार मैं हिटमैन को पूछता हूँ कैसा लग रहा है। हिटमैन भाई कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया लग रहा है उसको। तो एक काम करता हूँ मैं, ये वाला चेस्ट है। ओ भाई डायमंड आर्मर है और मिनी गन है भाई। फ्लिक हमें वैसे मालूम था क्या होने वाला है, लेकिन डायमंड आर्मर दिया उसने तो अच्छी बात है। गोल्डन एप्पल भी लेता हूँ, ये लेता हूँ मैं। ठीक है तेरे पास है, शांत रहे, बता मत उसको, बहुत मारेगा तुझे। तो ये आर्मर, ये गंदे से आर्मर को फेंको और पहनते भाई डायमंड का आर्मर, क्या बात है। और ये जो गन है ना इसको यहाँ पर रखता हूँ और मिनी गन को भी रखता हूँ, दोनों गन हमें मिल जाएगी। तो मुझे अभी भी मालूम चला है कि 1000 ज़ॉम्बी स्पॉन करने वाला हिटमैन भाई, ये पूरा खोल चुका है हमारे ऊपर और ये बोल रहा है हमें हारना ही पड़ेगा। अरे भाई ये कौन मार रहा है? फ्लिक भाई मत मार। तो भाई ये हिटमैन ने कितने सारे ज़ॉम्बीज ला लिया भाई, 1000 के ऊपर ज़ॉम्बीज है। और ये देखो भाई ये अभी खोल चुका है हमारे ऊपर, भाई आ गए पूरे के पूरे। यार भागना पड़ेगा मुझे। ठीक है फ्लिक तू मारते रहे उनको, मैं मशीन गन निकालता हूँ भाई। अटक चुके बच्चे, एक आया था पगला, फ्लिक ने फंसा दिया उनको, तो मैं भी ऊपर जाता हूँ, मैं भी ऊपर जाता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पे फंसाना फ्लिक उनको, लेके आ पूरे को भाई, टीएनटी से फूटने चाहिए सबके सब। अरे फ्लिक लेके आ उनको भाई, किधर पीछे लेके आऊँ? हाँ पीछे लेके आ भाई, कितने मार रहे हैं सबके सब, मार भाई तू मार इस साइड ले जा, रुक जा इस साइड लेके आ, इस साइड ले। अच्छा वो यूज कर जल्दी जल्दी, अरे उसको घेर लिया फ्लिक को भाई, बचाओ मैं मरने वाला हूँ भाई, ट्राई कर रहा हूँ मारने की, रुक जा जितना हो सकता है। तो भाई ये क्या है, इतने सारे आ गए फटने वाला सब पूरा, मैं भाग रहा हूँ भाई, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ओहो ये क्या था भाई, जल रहे पूरे के पूरे। फ्लिक जल्दी कर, जल्दी वो यूज कर, बस हो गया भाई, मुझे घेर लिया इन लोगों ने, भाग रहा हूँ। ठीक है काम करो, यूज करना वो जो दिया था तुझे भाई, मैं तो ऊपर चढ़ गया भाई, टीएनटी उतना काम नहीं है। तो फ्लिक एक काम कर, इनको फंसा के रख तू, मैं आ रहा हूँ घूम के, मैं वहां से इनके ऊपर यूज करता हूँ ये कैनन। ठीक है भाई, जगह कहाँ से पड़ी इधर की? ठीक है कैनन यूज किया इनके ऊपर, लेकिन यार फिर घिर चुका हूँ मैं इनसे। अरे भाई 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 फ्लिक बचा जल्दी, मार रहा हूँ भाई मैं इनको, मुझे निकलने दे बस यहाँ से। ठीक है भाई बस निकल गया मैं। ओहो भाई कैसे बचाऊ मैं, शिट। ओ भाई मैं तो निकल गया यहाँ से। अब भाई कुछ ज़ॉम्बीज और बचे हैं भाई, पीछे से और ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। फ्लिक जल्दी मार। तो फ्लिक यार अगला भी बात चुका, जल्दी तो कैनन मार यार, मेरे पीछे पड़े हुए लोग, जल्दी कैनन मार भाई। ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, तो कैनन मारते रहो उनको, मैं आगे लेके आ रहा हूँ भाई। ये भी यहाँ भी तो जल के मरेंगे ना सबके सब। ओ भाई ये क्या हो रहा है, इतने सारे मर रहे हैं, आने दो भाई सबको, आने दो भाई, क्या हालत हो गई इनकी। फ्लिक तू भी आ जा वहाँ से भाई, तेरे पीछे आ रहे हैं वो लोग, जल्दी आ फ्लिक वहाँ से भाई, मैं मार ही दूंगा इन लोग यार इतने में तो। तू जल्दी आ पहले यहाँ से यार, रिस्क मत ले, गन को रिलोड होने में टाइम लगता है। उनको आगे लेके आ भाई, आगे और डिफेंस है हमारे। ठीक है भाई मैं यहाँ पे कूदता हूँ, ठीक है ऊपर चढ़ते हैं। तो फ्लिक एक काम कर, कुछ बंदों को तो उधर लेके जा, कुछ बंदे इधर आएंगे और फंसेंगे, मैं यहाँ से फोड़ता हूँ। ठीक है आने दे भाई, तेरे तरफ आने, नहीं फोड़ मत अभी, कोई मतलब नहीं, पहले वाले को फोड़, एक काम कर देखते क्या होता है। ओ भाई मुझे भी डैमेज पहुंचा, ये क्या है, एक ही बार मर गए इतने सारे और सब फूट गए भाई। इधर आने दे उनको, देखते क्या होता है। सेंट्री के पास ला, सेंट्री के पास ला उनको, सेंट्री बहुत गंदा मारेंगे उनको भाई। कुछ बंदे यहाँ पे भी आ गए, इनको तो इजीली मार दूंगा मैं। ठीक है ये तो मर गए, और कुछ यहाँ पर भी है, तो मशीन गन चलाने का टाइम आ चुका है भाई, ज्यादा एमो नहीं है हमारे पास में, तो जल्दी जल्दी मारना पड़ेगा। मैं तो बाहर गिर गया यार। अच्छा यहाँ से एक रास्ता है, रास्ता बनाया हूँ मैंने, जल्दी आ भाई मेरे पीछे पड़ गया। रुक जा फ्लिक, आने दे उनको जल्दी, फ्लिक मार दे भाई, मैं नीचे गिर गया गलती से, मार रहा हूं। रुक जा, ये इलेक्ट्रिक वाले शॉक लगेगा उनको, सब गिर रहे हैं। ठीक है गिरने दे भाई, विलेजर रास्ता खुफिया रास्ता कहाँ पर है भाई, ये है खुफिया रास्ता। कितने को मार दिया ओ भाई, ये बच्चे विलेजर को मार दिया क्या? नहीं नहीं वो जिंदा है अभी भी। विलेजर कैसे बच गया अभी तक? रुक जा मैं घूम के आ रहा हूँ पूरा, रुक जा मुझे आने दे भाई। हमारा विलेजर तो मरा ही नहीं अभी तक। ओ भाई विलेजर को मारना नहीं चाहता शायद, इतना बेकार विलेजर है, इनको मारते रहते हैं। इनको मैं ये साइड लेके आता हूँ। एक काम कर फ्लिक, विलेजर उतना काम का आया नहीं हमारे,
और विलेजर को छोड़ दे यहाँ पर भाई, इनको मारते रहे। विलेजर बच चुका भाई, पहली बार विलेजर बचा है, उनको इधर लेके आ फ्लिक। भाई सबको लग रहा है देख। हाँ दिख रहा है भाई मुझे, वही देख रहा हूँ मैं। अरे बच्चों को तो दर्दनाक मौत मारो भाई। भाई फ्लिक पीछे से और भी बंदे आ रहे हैं फाइनल वेव के लिए। डैश हमारा विलेजर तो बच गया है। वही तो भाई, इसको जिंदा कर भाई, कुछ ब्लॉक लगा वहाँ पर ताकि बच पाए। अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या था भाई, इसने मार दिया विलेजर को। ये तो गलत है यार, चल छोड़ यार, हमको क्या मतलब विलेजर से। भाई यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए, तो एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं गोलम को स्पॉन कर देता हूँ। भाई गोलम अपना फंस चुका है बहुत गंदे तरीके से। फ्लिक जल्दी आ भाई इधर, एक काम करता हूँ ये वाले गोलम को भी आजाद कर देता हूँ, अपने गोलम लड़ेंगे भाई, ये काफी रहेगा। ओ भाई कितने सारे ज़ॉम्बीज़ है भाई, ब्लॉक कौन तोड़ा, रुक जा मुझे उस तरफ कूदना पड़ेगा। ठीक है मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। फ्लिक जल्दी आ भाई, इनको मार भाई। मैं तो भटक गया यहाँ पे भाई। भाई ज़ॉम्बी नहीं भटके और फ्लिक भटक गया, बताओ। अपना गोलम देखो यार क्या खतरनाक काम कर रहा है, ये कहाँ से ऊपर आया भाई। अपना गोलम एक मर चुका है और एक बचा हुआ है, फ्लिक मदद कर यार उसकी। भाई ये बड़ा वाला ज़ॉम्बी कहाँ से आया, फ्लिक निकल वहाँ से। भाई मैं फंस चुका हूँ यार, एमओ भी लगभग खत्म हो चुकी है मेरी। अपना गोलम लड़ रहा है वैसे, कोई बात नहीं। गोलम से भाई मार दिया उसने गोलम को मेरे आंखों के सामने। फ्लिक पूरे यहाँ पर आ चुके हैं, तो एक काम करते हैं। वो बेवड़ा पड़ा है वहाँ पर देखो भाई, अब उठा वो बेवड़ा यार, तूने एक बार मार दिया ना उसको तो यार। फ्लिक मैंने बताया नहीं था एक बात, मैंने ब्लैक मार्केट से बाजूका खरीदा था, तो एक बाजूका चलाना ही पड़ेगा मुझे। थोड़ा पीछे हो जा भाई, तू थोड़ा पीछे हो जा भाई, इधर बहुत खतरनाक ब्लास्ट होने वाला है। ओ भाई ये क्या हुआ भाई, ये तो सब फोड़ दिया भाई, वो पड़ा है देख वापस से, वापस से पड़ा है भाई। रुक जा उसको बीच में लेके फ्लिक सबको, तू ऊपर से मारूंगा मैं, नीचे से मार रहा हूँ, लड़ता भाई 360 घूम रहा हूँ पागल, क्या कर रहे हैं भाई। वन शॉट किल मार रहा हूँ भाई मैं, ये क्या हो रहा है भाई, फिर मर यार, एक दो और बचे हैं। वो बड़ा वाला है कहाँ पर यार, मुझे दिख भी नहीं रहा है, बीच में पड़ा है। रुक जा, अब बहुत जल्दी मारूंगा उसको, रुक। अब तो गया भाई ये बड़ा वाला, अच्छा बड़ा वाला मर गया, अब छोटे उसके नमूने बचे हुए हैं। भाई मारो इनको भाई, मेरी पूरी एमो खत्म हो चुकी है, रिलोड करने से अच्छा एक काम करता हूँ, शॉटगन से मारता हूँ। बचा हुआ है, आखिरी बचा हुआ है, क्या बात है, सबको मार दिया यार हम लोगों ने, क्या बात है, क्या फाइट थी भाई। वो ब्लैक मार्केट से बाजूका लाया था, काम आया मेरे, वैसे हिटमैन को ये बात मालूम चल गई होगी। वैसे बाजूका का एमओ भी नहीं बचा मेरे पास में, तो तू रख ले। तो यार क्या बात है, हम लोग जीत गए और हिटमैन भी हार चुका है, मतलब हारा नहीं, उसने चैलेंज दिया था। तो यार आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड भी कंप्लीट कर देना। और भाई ये बाजूका कैसे निकाल रहा है भाई, ये क्या किया इसने।